गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो का हाल ही में किस नेशनल पार्क में निधन हो गया है? वन विहार नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में है। पश्चिम अफ्रीकी देशों ने चुनावों में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है? माली के साथ। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जापान और सिंगापुर को। आपको बता दें कि इसमें भारत की रैंकिंग रही है 83। चलिए आगे देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? असम राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंदु मनुत्रा को। आगे डिस्कस करेंगे, किस कंपनी ने घरेलू निजी क्षेत्र द्वारा भारत को उत्पादित बिजली बेचने के लिए भारत की मणिकरण पावर लिमिटेड के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोची। आगे डिस्कस करेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? असम। आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 62 वर्ष। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आपको डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आईबीएम के साथ एक साझेदारी की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप जेमिनी ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। कैप जेमिनी ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला कैप जेमिनी मिनी क्यू लैब की स्थापना की है। क्यू लैब आईबीएम के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह अधिकृत आईबीएम क्वांटम हब होगा। आपको बता दें कि लैब में आईबीएम का नवीनतम 127 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर ईगल भी होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कैप जेमिनी के बारे में। कैप जेमिनी एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। एजाम एच कैप जेमिनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ है वर्तमान में। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट क्यूसिम को किसने विकसित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलोर और सीटेक ने मिलकर इसको तैयार किया है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर विजय भाटकर को। देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। भारत का स्वदेश विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण किसने किया है? तो याद रखिएगा, सीटेक ने। किस देश ने सिमोग्र नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकाहू, जो कि कहां का है? जापान का है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनीएक है। आगे डिस्कस करेंगे, मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? शकुंतला देवी को। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया है? ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने।
भारत में इंटरनेट की स्थापना 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में 13 जनवरी 2022 को उखरुल जिले के कचाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर के कचाई नींबू को जीआई टैग पंजीकरण टैग दिया गया है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख त्योहार। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अटुकुल पोंगल केरल में मनाया जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अटुकुल पोंगल केरल में मनाया जाता है और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। नौटंकी उत्तर प्रदेश, धानु यात्रा और राज पर्व उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, नागालैंड राज्य में इसे मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कि मेघालय राज्य में मनाया जाता है। स्टूडेंट, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुवेंद्र तंबर को, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित कर रहे हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इस परिषद का उद्देश्य ऐतिहासिक शोध को दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 27 मार्च 1972 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे डिस्कस करेंगे हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियां। संजीव मेहता फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। विवेक जौरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है? विनीत कुमार गोयल को। हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आमिर सुबहानी को। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश अग्निहोत्री को। तो ये थी हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस के खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस के खरीद को मंजूरी दे दी है। यह ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी ऑर्डर है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। ब्रह्मोस क्या है? तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस का नाम 2 हिस्सों यानी ब्रह्म और मोस से बना है। ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र नदी और मोस यानी रूस की मोस्कोवा नदी है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है। यह दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका 50 के साथ। डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अफ्रीका 50 जो एक अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा निवेश मंच है के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की बिजली मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय वैधानिक निगम है जिसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन ये क्लास आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 40 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री सुहास सरकार ने आभासी रूप से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र श्रेणी के तहत पुरस्कारों के लिए 40 स्कूलों का चयन किया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों के लिए पुरस्कार राशि को इस वर्ष 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति स्कूल कर दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट। किस मंत्रालय ने एकल मंच यानी NEET 3.0 लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 100 दिवसीय पठन अभियान यानी पढ़े भारत की शुरुआत की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का आभासी रूप से उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के लिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में यह सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। अब डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? सलमा और सैतु बांध। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगान रुपया है, संसद सोरा है और खेबर दर्रा जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। सार्क का नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। WTO का नवीनतम सदस्य देश यानी 164वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अली खान इस्माइल लो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, याद रखिएगा कि कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से लगती है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, मुद्रा कजाकिस्तान तेंगे है, प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं अली खान और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोका एब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंभलांगी, जो कि कहां पर है? केरल राज्य में है। आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजा गैस क्रेटर जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान में। ग्रेटर गेटवे टू हेल को पिक में आप लोग देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बार्डी मुखा मेदोब ने विशेषज्ञों को दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया है। इसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है
और यह एक विशाल प्राकृतिक गैस क्रेटर है, जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे। तो इसे बुझाने के आइडिया खोजने के लिए हाल ही में आदेश दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्दिमुहामेदोव। राजधानी है अस्काबाद, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानत और आधिकारिक भाषा है तुर्कमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुफ्त बाजार वार्ता शुरू हुई है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ब्रिटेन के साथ। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत और ब्रिटेन के बीच दिल्ली में औपचारिक मुफ्त व्यापार अनुबंध के लिए वार्ता की शुरुआत होगी। इससे दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुफ्त आवाजाही का रास्ता साफ होगा। आपको बता दें कि वार्ता में ब्रिटेन की ओर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन ने और भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो पिक में देखकर आप लोग समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो माया एंजेलो को आप लोग पिक में देख सकते हैं और ये सिक्के पर है, तो ये कहाँ का है? अमेरिका का है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। इस सिक्के पर माया को बाज के साथ दिखाया गया है, जैसा कि आप दो पिक में देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला आयोजित की गई? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आपका सही आंसर था ऑप्शन बी 7। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो इसका आपका सही आंसर था ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आज के आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बोपन्ना रामनाथन की जोड़ी ने हाल ही में कौन सा टूर्नामेंट जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई में नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए किस विभाग का गठन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्य को बनाने की शक्ति है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन क्या है? तो इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।